नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्रिंगो पर। दोस्तों, आप सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो ऐसा जरूर सोचा ही होगा कि काश हमारे पास भी कोई सुपर पावर होती तो कितना अच्छा होता। फिल्मों में अपने फेवरेट सुपर हीरोज को देखकर आपके मन में भी काफी एक्साइटमेंट होती होगी, पर ये फैक्ट तो हम सबको ही पता है कि फिल्मों और सीरियल्स के हमारे सभी फेवरेट सुपर हीरोज बनाने वालों की सिर्फ एक इमेजिनेशन है और असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी संभव नहीं होता। पर आज की इस वीडियो में हम आपकी इसी सोच को गलत साबित कर देंगे। आज हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत और अनोखे लोग दिखाने वाले हैं जिनके पास रियल में सुपर पावर्स मौजूद हैं। और हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो पर लाइक्स का एम है 10,000, तो इस वीडियो को लाइक करके इस टारगेट को भी जल्दी से पूरा कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। दोस्तों, अगर आपने स्टीफन विल्शायर नाम के व्यक्ति की ड्राइंग्स अभी तक नहीं देखी हैं, तो उन्हें जरूर देखिएगा। स्टीफन वो शख्स है जो किसी भी चीज को केवल एक बार देखने पर ही उसकी हूबहू नकल अपनी ड्राइंग में उतार देते हैं। कौन सी बिल्डिंग कहाँ थी, कौन सा पेड़ कहाँ था, इन्हें सब कुछ एक बार देखने पर ही याद रह जाता है। इनको एक बार हेलीकॉप्टर से लंदन शहर का हवाई नजारा दिखाया गया और फिर इनसे उस नजारे को अपनी ड्राइंग के जरिए बनाने को बोला गया। जब इन्होंने अपनी ड्राइंग बनाई तो सब के सब बस देखते ही रह गए। स्टीफन ने एक एक डिटेल को एक्यूरेटली अपनी ड्राइंग के जरिए दिखाया था और इन्होंने केवल लंदन शहर ही नहीं पर न्यूयॉर्क सिटी और टोक्यो को भी एक बार देखने पर ही उनकी एग्जैक्ट ड्राइंग बनाई हुई है। स्टीफन को बचपन में ही एक खास बीमारी से डायग्नोज करा गया था जो इन्हें ये सुपर मेमोरी प्रोवाइड करती है। जापान में रहने वाले इस व्यक्ति को अगर हम एक रियल लाइफ समुराय कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। इनके पास वो कला है कि ये एक बंदूक से निकली हुई गोली को भी अपनी तलवार के वार से काट देते हैं। क्यों, विश्वास नहीं होता? खुद ही देख लीजिए, ये दुनिया में सबसे तेज तलवारबाज हैं और ये किसी भी चीज को पलक झपकते ही अपनी तलवार से काट देते हैं। इनकी सबसे खास कला ये है कि ये अपने पास आती हुई हर चीज की स्पीड का अनुमान पहले ही लगा लेते हैं, जिससे ये उसके ऊपर वार कर पाते हैं। इनके पास अपनी इस कला के कारण 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, जो अभी तक कोई तोड़ भी नहीं पाया है और शायद ही कोई तोड़ पाएगा। दोस्तों, ये बात तो हम सबको पता ही है कि पानी पीना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है और कहा जाता है कि हमें रोज 2 लीटर तक पानी पीना भी चाहिए, पर अक्सर हम इतना पानी नहीं पी पाते क्योंकि हमें प्यास नहीं होती या फिर हमारी इच्छा नहीं होती। पर हमारा ये सुपर ह्यूमन एक बार में ही 4 लीटर से अधिक पानी पी लेता है और पीने के बाद उसे पंप की तरह अपने मुंह से निकाल भी सकता है। क्यों, है ना कमाल? डॉक्टर्स का कहना है कि इस शख्स का पेट एक आम आदमी के पेट से 4 गुना ज्यादा लिक्विड होल्ड कर सकता है। पर सबसे कमाल की बात यह है कि ये इतना पानी पीने के बाद भी उसे पंप की तरह अपने पेट से वापस निकाल देता है। खैर, इस आदमी को सुपर हीरो वाली फिल्म में काम मिले ना मिले, पर इसको सर्कस में काम तो जरूर मिल ही जाएगा। आपका क्या कहना है? दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री चैनल देखते हैं तो आपने इस शख्स को जरूर देखा ही होगा। स्टैनली सुपर ह्यूमन नाम के शो में आने वाले इस लड़के का नाम डैनियल स्मिथ है और ये दुनिया का सबसे लचीला आदमी होने का दावा करता है। ये अपनी बॉडी के साथ बहुत अनोखी और यूनिक चीजें कर सकता है जिसे देखकर कोई भी चौंक जाएगा। इन्होंने एक टेनिस के रैकेट के अंदर से और एक टॉयलेट सीट के कवर के अंदर से भी अपनी बॉडी को पास करा हुआ है। यहाँ तक कि इनकी बॉडी इतनी ज्यादा लचीली है कि ये खुद को एक सूटकेस में भी बड़े ही आराम से बंद कर लेते हैं। इस अनोखे कारनामे के कारण
इनको कई वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित भी करा गया है और इन्हें अब दुनिया भर में रबर मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जहां हर व्यक्ति को बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने के लिए गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है, वहीं हमारे इस डच डेयर डेविल को केवल एक पेयर शॉर्ट्स की जरूरत पड़ती है। इन्होंने अपने शरीर को इस कदर ढाल लिया है कि इन पर ठंड का बहुत कम असर होता है और जहां एक आम आदमी बर्फीले पानी में 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, वहीं ये 2 घंटों तक बिना किसी दिक्कत के बर्फीले पानी में सरवाइव कर लेते हैं। इनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं और इन्हें दुनिया भर में आइस मैन के नाम से जाना जाता है। इनका दावा है कि ये इस कारनामे को एक खास तरह की टेक्निक के कारण कर पाते हैं, जो कि टिबेट के योगियों द्वारा बनाई गई है। एक बार इन्होंने कांच के एक बंकर में खुद को आइस क्यूब से कवर करवाया था और वो भी सिर्फ एक पेयर शॉर्ट्स में। इस ग्लास के बंकर में इन्होंने सक्सेसफुली 2 घंटे बिताकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, डीन कार्जेनिस उस शख्स का नाम है जो लगातार बिना रुके 563 किलोमीटर दौड़ सकता है, जो कि मुंबई से अहमदाबाद तक का डिस्टेंस है। जी हाँ, डीन की ये स्पेशल एबिलिटी उन्हें एक सुपर हीरो का दर्जा दिलवाती है। एक बार इन्होंने 50 यूएस स्टेट्स में 50 मैराथन में भाग लिया था और इन्होंने ये सारी मैराथन्स 50 दिन में पूरी भी करी थी। डॉक्टर्स का मानना है कि यह डीन की जेनेटिक एबिलिटी के कारण है कि वो इतने लंबे डिस्टेंसेस बिना रुके दौड़ सकते हैं। इनकी बॉडी लैक्टेट्स प्रोड्यूस करती रहती है, जिसकी वजह से इनको अपनी ये सुपर पावर मिलती है। अपनी इस खास एबिलिटी के कारण इन्होंने दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में 2 बार मैराथन्स में हिस्सा लिया है। दोस्तों, अगर आपके पास या फिर आपके किसी जानने वाले के पास भी कोई ऐसी खास एबिलिटी है तो कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।